हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अब्दुल्ला सिद्दीकी। आज हम जामिया गेट नंबर 7 के पास हैं और हमारे अपोजिट में गेट नंबर 8 है। यहाँ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीबीए और बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम जो आज है और उसका पेपर कैसा आया है, क्योंकि जामिया ने इस बार सिलेबस लिटिल बिट चेंज किया है। तो इसे हम लोग एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर को, और अभी तो हम फर्स्ट रिएक्शन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। और हम ये भी बताएंगे इसका स्ट्रक्चर कट ऑफ कितना जा सकता है, और क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया जाएगा चैनल पे। तो बस अब क्लास ओवर होने वाला होगा एग्ज़ाम, और हम फिर बच्चों से बात करते हैं। बच्चे आ रहे हैं, तो नाम बताइए, पहले नाम क्या? सुहेल चौधरी। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर ठीक। पेपर ठीक है, कितना किया आपने? पेपर सारा किया 100% 100% किया। अच्छा, तो जैसे पैटर्न चेंज हो गया था, सिलेबस पता था आपको पहले से? पैटर्न तो चेंज हुआ ना, पहले से सिलेबस था। अच्छा, आपको सिलेबस के बारे में कब पता चला कि चेंज हुआ है? परसों पता चला। तो मतलब जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न था, तो उससे हट करके क्वेश्चन आए, जैसे मैथ का स्ट्रक्चर नहीं है, बाकी तो सेम है ऑलमोस्ट। जैसे ये है ना जनरल नॉलेज, तो इसके 10-12 क्वेश्चन आए थे। 10-12 क्वेश्चन। ओवरऑल कितना किया आपने? मैंने सारे सारे अटेम्प्ट। कितना सही होगा आपका अंदाजा? इसके बारे में तो बात करते भी ना। ठीक, आप कहाँ से आए थे एग्जाम देने के लिए? मुजफ्फरनगर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से। आपका क्या नाम है? कहाँ से आया? अलीगढ़ से आया। तो ये उसका सिलेबस जो पैटर्न जो चेंज हुआ है, ये आपको कब पता चला? ये हमारे टीचर ने बता दिया था पहले। कितने दिन पहले? बता दिया था उन्होंने, मतलब तुम्हारे साथ ये बोला था हमसे, तो तुम्हारे साथ जामिया ने इस बार धोखा किया है, बताया नहीं। अच्छा, मतलब दिन आपको नहीं याद है? 4 दिन, 1 दिन, 1 हफ्ते? 1-2 दिन पहले बता, 1-2 दिन पहले सभी को पता चला। ज्यादातर बच्चों को जो पहले तो 12th का पढ़ा था, और प्लस हम एमयू के इंटरनल स्टूडेंट हैं, तो हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, उसी के बेस पर ही किया। तो कितना क्वेश्चन किया आपने सही? मैंने 73 अटेम्प्ट किया। गलत नहीं किया आपने? नहीं, मैंने डोमेन का पूरा अच्छे से कर दिया। डोमेन का अच्छे से कर दिया। अकाउंटेंसी को BSc भाई आई थी पूरी 12th क्लास, जो आपकी 12th क्लास का पढ़ा था। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? अफान सिद्दीकी। तो आपका पेपर कैसा हुआ? नॉर्मल, थोड़े कॉमर्स वाले ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो साइंस बैकग्राउंड वाले की वजह से थोड़े से कम अटेम्प्ट कर पाया, लेकिन जितने करे अपने सही। अच्छा, इस बार जो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो आपको कितने दिन पहले पता चला सिलेबस से चेंज? 1 दिन पहले पता चला, उससे यूट्यूब से जो कुछ हो पाया कॉमर्स का उतना करके गया, बाकी कुछ कॉमर्स से करते हैं। तो आप कितना क्वेश्चन सही किया होगा आपको? ये क्या था सर? अराउंड 50-55 अटेम्प्ट करें, जिसमें 90% सही होगा। 90% सही होगा। तो ये आपको मतलब ओवरऑल जो पेपर आपने देखा, आप तो पेपर दे करके आ रहे, लास्ट ईयर के पैटर्न से काफ़ी डिफरेंट था, मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आए थे, बल्कि जो है आपका पूरा डोमेन सब्जेक्ट भी था, तो उस कंसर्न में आपको आप पेपर को कैसे देखते हैं? मतलब मेरिट हाई जाएगी कि लो जाएगी? आधी पॉपुलेशन तो कॉमर्स वाली है, तो उनके अकॉर्डिंग तो ईजी होगा बहुत। अच्छा, ऑल ओवर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेरिट में ही जानी चाहिए कट ऑफ। वैसे होपफुली जो इसका कट ऑफ जो भी हमने पेपर जस्ट हम लोगों ने कलेक्ट करके देखा, पूरा एनालाइज नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से 50-55 तक मेरे इसके जाने कट ऑफ ज़्यादा चाहिए, और हाई तो कितनी भी हो सकती है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सेंटर की तरफ से, होपफुली आपका नाम आ जाए, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे जो सब जो आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? कॉमर्स के सब्जेक्ट ज़्यादा है, कॉमर्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो सिलेबस था वो आपका था रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, और जी और उसका जी के और करेंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन, और इस बार पैटर्न चेंज करके डोमेन सब्जेक्ट भी कर दिया गया, इसमें से थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी आपको। चलिए, बेस्ट ऑफ स्टडीज तो कॉमन सेंस हो गया, बट अकाउंटेंसी में बहुत अकाउंटेंसी प्रॉब्लम हुई। कितने क्वेश्चन थे अकाउंटेंसी के? 15-16 क्वेश्चन थे। तो उसमें से कुछ सही हुए हैं आपके कि नहीं? 1-2 करे हैं, दोनों पता थे, एसेट एंड लायबिलिटीज को लेके, और बाकी चलिए बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। मेरा नाम अफान सरार है। अफान सरार, आप कहाँ से आए हुए? मैं बिजनौर से हूँ। बिजनौर से। पेपर कैसा हुआ ओवरऑल? पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, बाकी तो वो जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके बारे में पता था आपको? थोड़ा 5-10 घंटे पहले, घंटे का आधे घंटे पहले पता चला है। आधे घंटे पहले पता चला। तो आपने फिर कैसे तैयारी की? आपका बैकग्राउंड क्या था? कॉमर्स? मेरा कॉमर्स नहीं था, मेरा बायो था। अच्छा, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज थी कॉमर्स साइड से, तो इस वजह से करके आ गया हूँ। तो कर लिया आपने, कितना सही किया होगा?
70-80 तो चला ही गया होगा। 70 आपने सही किया होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपने पूरा कर दिया तो छोड़ा भी है? नहीं करके पूरे 100% आया हूँ, ऐसी बात। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि 70 हमारा सही होगा? हाँ इंशाल्लाह अगर हो जाए तो। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको सेंटर की तरफ से। बताया आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल खान। मोहम्मद फैसल कहाँ से आए हैं? अलीगढ़। अलीगढ़ अलीगढ़ से आए। आपका क्या नाम है? मेरा जीशान खान। जीशान अलीगढ़ से। आप लोग सब ग्रुप पे आए थे? आप लोग सभी नाम बताइए। अहमद राकिब। क्या? मोहम्मद अमान खान। इस साल जो है कौन से सिलेबस चेंज हुआ था टाइटल, तो आपको कब पता चला? हमारे पास बैकग्राउंड नहीं था, कॉमर्स वाले का उनके लिए वन बाय वन एक क्वेश्चन आप बताएंगे। कितने क्वेश्चन आपने किया बताइए? सही करेक्ट होगा। आपने किया गलत भी किया कुछ अटेम्प्ट? गलत होंगे बहुत। उसको माइनस करने के बाद 60 आप पा रहे हैं। आपका 65 आप लोगों के हिसाब से मेरिट कितनी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए मैम। क्या नाम है? गुड डे। और पेपर कैसा हुआ होगा आप लोग? ठीक है। जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में आपको कब पता चला? कल सुबह पता चला। इतना लेट तो जामिया वालों ने लेट अपडेट किया था कि आपको पता नहीं चल पाया, आपने देखा नहीं? लेट ही अपलोड शायद लेट हुआ। अपलोड लेट हुआ था। तो आपका बैकग्राउंड क्या था? कॉमर्स था या कॉमर्स बैकग्राउंड था? तो आपको तो फायदा मिला होगा उसका? नहीं, बट स्टिल मैंने तो एक साल ड्रॉप कर दिया था ना। अच्छा, ड्रॉप कर दिया था। तो कौन सा सेक्शन आपको ईजी लगा, कौन सा टफ लगा? ईजी था। तो रीजनिंग का ईजी था। कितना कट ऑफ जाना चाहिए आपके हिसाब से? चलिए हम लोग इसका अपलोड करेंगे। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो ओवरऑल जो पेपर आपने देखा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में टफ था या इजी था आपको? लास्ट ईयर का तो डिफरेंट पेपर था, कंपैरिजन करना मुश्किल है। थैंक यू सो मच। आप पहले अपना नाम बताइए। गुड नेम। शमा पर। आपका नाम? इबाउस है। आपका? दीदा बतूल। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आज आज पेपर हुआ ये कैसा हुआ पेपर, ओवरऑल कैसा लगा? पेपर तो मैं कॉमर्स आईसीटीसी की हुआ मेरा। अच्छा, अगर साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों में तुमको बहुत दिखा हुआ बहुत ज्यादा 20 क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, जो मेन चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में कब पता चला? मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि सिलेबस चेंज हो गया। बहुत पता कब चला? परसों रात में। अच्छा, कल सुबह आप लोगों को पता चला। तो सबका बैकग्राउंड कॉमर्स ही है? कॉमर्स। कॉमर्स वालों को तो बेनिफिट्स मिला होगा, बहुत बेनिफिट्स मिला। तो कितना नेक्स्ट ईयर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फालतू में ये क्यों लेना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कॉमर्स ही। लेकिन बीबीए वालों के साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना, जो बीबीए वाले एमबीए करेंगे उनको तो अकाउंट्स डेफिनेटली पढ़ना है। तो आपको ओपिनियन है किसी तरह से पेपर आना चाहिए? अच्छा है। कितना ओवरऑल किया होगा आपने करेक्ट जो आपका? 70 तक आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। सेम तुम्हारा भी 70 तो। अच्छा, अगर आपको गेस करो तो आप क्या गेस करेंगे कितनी तक मेरिट जा सकती है, कट ऑफ कितना जा सकता है? ये मैं नहीं कह सकती, फिर भी अंदाजा। हाँ तो 50 तक तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 50 तक ही जाएगी ज्यादा, क्योंकि पेपर अभी हम लोगों ने जो एनालाइज किया वैसे डीप एनालाइज तो नहीं के देखा है, तो पेपर जो है थोड़ा से हट करके है। और जो कॉमर्स के बच्चे हैं जिनके पास कॉमर्स था 12th क्लास में, उनको तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लेकिन जो नॉर्थ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे, लेकिन सिलेबस बहुत अच्छा, पहले बता देते, यही चीज मेन है ना। लेकिन सिलेबस बहुत अच्छा बनाया जामिया वालों, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, मतलब बहुत अच्छा सिलेबस है। कॉमर्स आईसीटी भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने सब तैयारी की या कोचिंग लिया था? सर तैयारी स्कूल कहाँ? जामिया से? तो नहीं, जामिया से बाबू तो इंटरनल हो गए मेरे, इसी वजह से आप जामिया को फेवर कर रहे हैं। बस 5% इंटरनल। हाँ, तो अगर मेरिट अच्छी होगी तो आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लेकिन जाने वालों के लिए बहुत खुशी बात है, बहुत अच्छा फील होता है, मैं तो बहुत अच्छा सर। थैंक यू। नाम बताएं पहले। मोहम्मद यजदान सर। यजदान सर, पेपर कैसा हुआ आपका? सर अच्छा गया है। अच्छा गया, कितने क्वेश्चन आपने किए हुए? सर 55 बिल्कुल करेक्ट है, गलत तो फिर नहीं किया आपने?
सर गलत और लास्ट में आके चेक किए तो एक दो गलत निकले भी। एक दो गलत निकले। अच्छा ठीक है, तो आपको जो सिलेबस चेंज हुआ इसके बारे में कब पता चला आपको? सर दो दिन पहले। दो दिन पहले पता चला। मेरी जितने बच्चों से बात हो रही सभी ने कहा कि दो दिन पहले सिलेबस चेंज हुआ है। तो कैसे मैनेज किया? आपका बैकग्राउंड क्या था, कॉमर्स था या साइंस था? सर कॉमर्स का स्टूडेंट। तब तो आपको फायदा मिला होगा क्योंकि और बच्चों से भी मेरी जो बात हुई जो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे दे आर वेरी हैप्पी, कहते बहुत अच्छा, मतलब अच्छा हुआ जामिया ने इसमें से पेपर। सर उस हिसाब से बहुत अच्छा गया है जितना सोचा था, पर सर इसमें यह है ना कि वर्डिंग के साथ खेल, जैसे बोलते ना कि वर्ड के साथ खेलना। अच्छा अच्छा। जामिया इस बार के जो क्वेश्चन थे हम लोग सर वर्डिंग से, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन बुक से भी पढ़े हैं जो लैंग्वेज हम लोग की थी उसमें से बहुत चुनिंदी है वर्ड्स को एकदम वो करके किया गया। मतलब सिलेक्टेड पेपर, अच्छा पेपर, डिजाइन पेपर। अच्छा डिजाइन पेपर। तो आपकी उम्मीद में कितना कट ऑफ कितना जाना चाहिए? सर मेरी उम्मीद में जाना चाहिए ये 40 से 45 तक। आपके हिसाब से 40 से 45 जाना चाहिए? ज्यादातर बच्चे 50 के आसपास कह रहे हैं कि 50 तक कट ऑफ जाना चाहिए। जी सर 50 तक भी सही नहीं है क्योंकि सर काफ़ी बच्चों का लॉस भी हो जाएगा सर, क्योंकि आचार्य पूरे महीने को मेहनत की है, लोग अलग अलग जगह से पूरा दूर से आते हैं, अचानक सर उनका ये लॉस एकदम ही हो जाएगा कि दो दिन पहले आप सिलेबस चेंज कर रहे हो। साइंस के कुछ बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं जो चाहते थे पढ़ना, जिनकी इतनी महीने की तैयारी एक बार में ख़राब हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जामिया वाले अपने उसे सही करें तो सर 2-3 दिन पहले ही पता चला है। और ओवरऑल पेपर रीजनिंग का भी मैंने देखा, रीजनिंग भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। तो मेरे हिसाब से 50-55 के आसपास मेरी आइसोलेट करना चाहिए। अब 50 के आसपास ही आइसोलेट, उससे कम भी जा सकता है, उससे कम, नो डाउट उससे कम भी जा सकता है। तो मैंने जो बात किया है ज्यादातर बच्चों को यही कहना है कि हमें सिलेबस के बारे में 2-3 दिन पहले ही पता चला है। और बच्चे कुछ बच्चे बहुत अपसेट थे लेकिन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे थे बहुत खुश थे। चलिए देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है और कट ऑफ अभी हम लोग पूरा डीपी एनालाइज करेंगे, कट ऑफ का वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।